नानू और आज सभी लोगों का स्वागत है नानू की सफर में। आज नानू का सफर आया है डीबी सिटी मॉल में और यहाँ पे लगा है बाइक्स और कार का एक्सपो। नानू के सफर को और अब बताते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स की कार्स एंड बाइक्स लाइक मर्सिडीज, वॉल्वो एंड होंडा। ये है मर्सिडीज की न्यू ई क्लास LWB और आप इसका लोगो देख सकते हैं गाइस, कितना अच्छा लोगो है। लोगों को इसी लोगो से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और हम इसके DRL को देखते हैं, ये देखिए इसका DRL और ये है इसका फ्रंट लुक। और हम साइड पार्ट में आते हैं और यहाँ पर इसका व्हील बेस देख सकते हैं, कितना लॉन्ग व्हील बेस है, टू लॉन्ग। और स्पेशली मुझे और ये है इसका बैक लुक, ये देख सकते हैं गाइस, पीछे भी लिखा हुआ है न्यू ई क्लास LWB और इसमें पीछे भी लोगो है, डबल साइलेंसर्स हैं इसकी और आप पीछे की टेल लाइट देख सकते हैं। सो गाइस, ये है मर्सिडीज सेडान। यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव ना होने की वजह से मैं आपको इंटीरियर अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। वाओ, उसका क्या इंटीरियर है, हम जैसा कि देख सकते हैं, जैसा कि इसमें जर्मन वर्ड है वैसे ही इसकी फिनिशिंग भी एकदम जर्मन जैसे ही है, जैसे इसका जर्मन इंजन है वैसे ही जर्मन पॉलिशिंग है। सो गाइस, अभी हमने देख लिया है मर्सिडीज का सेडान पैटर्न, अब हम आते हैं मर्सिडीज की SUV पर। तो ये है हमारी मर्सिडीज की न्यू SUV जो कि है GLC। आप इसका लोगो ही देख सकते हैं, सेडान से भी कितना बड़ा लोगो है इसका। और आप इसकी हेडलाइट्स देख सकते हैं, DRL देख सकते हैं, डबल DRL है। और आप इसका ये व्हील भी देख सकते हैं, अलॉय व्हील्स हैं और ये सेडान से ज़्यादा बड़े व्हील्स हैं इसके। और आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं, व्हील बेस भी देख सकते हैं, कितना ज़्यादा व्हील बेस है। और ग्राउंड क्लियरेंस की तो बात ही मत पूछो, ये तो वैसे भी सेडान से ज़्यादा ही रहता है, लेकिन मैं आपको तब भी बता देता हूँ। अब हम आते हैं इसके पीछे के लुक में, तो ये है लिखा हुआ GLC 4MATIC GLC 220D और ये डबल साइलेंसर है। और आप देख सकते हैं इसकी टेल लाइट, ये है देख सकते हैं आप इसकी टेल लाइट। और नीचे आते हैं, सर मैं आपको मर्सिडीज की SUV का इंटीरियर दिखाता हूँ। अगर हम इसके इंटीरियर में देखें तो इसके सीट के कलर जो है बैच कलर के हैं और यहाँ पे हम एकदम फाइन पॉलिशिंग है, हम देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास इसमें टचिंग है। सो गाइस, अब मैं आपको मर्सिडीज सेडान की लेंथ और उसके टॉप व्यूज दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मर्सिडीज की सेडान और ये इसकी टॉप व्यूज, और ये कितनी लंबी लेंथ है ये। जब व्हील बेस इतना लंबा होता है तो लेंथ भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी लेंथ है। ये है वॉल्वो का SUV, ये है XC60, इसे पीछे लिखा भी है, ये इसका बैक लुक है। और आप इसके अलॉय व्हील्स देख सकते हैं, व्हील साइज भी देख सकते हैं, अलॉय व्हील्स इसके बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहे हैं। और आप इसका व्हील बेस भी देख सकते हैं, और ये SUV है तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसका साइड व्यू है। अब मैं आपको इसका फ्रंट व्यू लिखा, ये इसका वॉल्वो का लोगो है और वॉल्वो के लोगो में एक खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं वॉल्वो के लोगो में ही एक कैमरा लगा हुआ है, सामने भी लिखा हुआ है XC60। और आप इसकी DRL देख सकते हैं, ये तो उसकी LED से भी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा DRL। और आप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए DRL, उसका लेफ्ट साइड DRL, ये इसका फ्रंट लुक है वॉल्वो का। द ऑल न्यू होंडा सिटी, ये आपको इंडिया की सबसे ज़्यादा रिलायबल कार है, बिकॉज ये आपको रोड पे कहीं पर ही मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा रिलायबल कार है ये। और ये इसका न्यू लुक है, आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं आपको ये सेडान है और आप इसका व्हील बेस भी देख सकते हैं, ये पूरे ब्लैक कलर में है, कितना क्लासी लुक दिख रहा है इसका ब्लैक कलर में। हम आगे बढ़ते हैं, ये उसका हमने अभी साइड व्यू दिखा दिया, तो आपको उसका बैक व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है होंडा सिटी, ये IVTEC है और ये है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, ये है एक मिनी SUV। तो इसका हमने आपको फ्रंट व्यू दिखा दिया, अब हम आपको उसका साइड व्यू दिखा देते हैं। साइड व्यू आप देख सकते हैं इसके अलॉय व्हील, आप इसका बेस भी देख सकते हैं, बेस क्लियरेंस कितना है। और आप इसका अलॉय व्हील्स हैं और ये एक मिनी SUV है, तो इसका बेस भी इतना है कि वो एक SUV आप कह सकते हैं, भले ये एक मिनी SUV है। सो ये है इंडिया की मोस्ट रिलायबल कंपनी होंडाई और ये है उसकी i20N Line। ये मैं आपको उसका फ्रंट लुक दिखा देता हूँ, आप इसकी DRL देख सकते हैं और ये इसका
ये है आप हॉन्डाई की अल्काज़ार, ये भी एक बड़ी एक एसयूवी है। मैं आपको इसका फ्रंट लुक दिखा देता हूँ, आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रिल है, ये एकदम क्लासी रो ग्रिल है। और मैं आपको इसका साइड में दिखा देता हूँ, इसमें एक स्पेशल मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इसमें यहाँ साइड मिरर्स में आपको नीचे कैमरा दिया हुआ है जो कि बहुत कम कंपनीज में देते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस बता देता हूँ, आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं, ये एक बड़ी एसयूवी है। और आप इसका अलॉय व्हील भी देख सकते हैं, कितना बड़ा व्हील है इसका। और मैं आपको इसका अंदर का व्यू दिखा देता हूँ, अंदर से ये ऐसी दिखती है। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक कार है, ये इसका टॉप मॉडल है। और मेरे पास तो अभी चाबी है नहीं, क्योंकि कोई देता ही नहीं चाबी। और वैसे ही बच्चा है तो सब लोग यही सोचेंगे कि बच्चा क्या है, गाड़ी चढ़ा देगा और सब कुछ क्रैश हो जाएगा। तो अब मैं आपको अंदर से तो बैठ के दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए बाहर से ही दिखा रहा हूँ। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं बाइक सेगमेंट में, और ये है BMW की बाइक। ये है एक स्पोर्टी बाइक, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका लोगो भी दिया हुआ है इन्होंने, और ये रेड कलर की फ्रेम के साथ है, तो मुझे ज़्यादा पसंद है। और वो है BMW की GS बाइक, तो इन दोनों में से तो मुझे रेड फ्रेम वाली ज़्यादा पसंद है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें इन दोनों में से कौन सी पसंद बाइक है। फाइनली अभी तो मैं बाइसिकल चलाता हूँ और मैं शैनल बाइसिकल चलाता हूँ, तो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कावासाकी ने जब भी अपनी बाइक लॉन्च की है वो हमेशा ग्रीन कलर की ही बाइक लॉन्च करती है, और ये है कावासाकी की ब्लैक कलर की बाइक। ये कावासाकी की वल्कन एस है, ये भी कितनी ज़्यादा क्लासी दिख रही है आप खुद ही देख सकते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं रॉयल इनफील्ड के सेगमेंट में, और ये है रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर 650, और फिर उसके बाद नेक्स्ट बाइक है हमारी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। सो जैसा कि रॉयल इनफील्ड का नाम है वैसे ही इनकी बाइक्स रहती है रॉयल, एकदम रॉयल। और ये है रॉयल इनफील्ड की मेटेयर 350, और एक और बाइक है वो भी क्लासिक 350 ही है रॉयल इनफील्ड की। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं KTM के सेगमेंट में, और ये है KTM 390। मेरे प्रशांत मामा जी के पास भी यही बाइक है, सो हम देख सकते हैं ये इसका। अभी मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखाया और ये है साइड व्यू। अब हम आते हैं KTM की RC 200, ये भी बहुत स्पोर्टी लुक की बाइक है, और KTM की हर बाइक हमेशा ऑरेंज कलर की रहती है, ये इसकी क्वालिटी है। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं स्कूटर सेगमेंट्स में, ये है एप्रिलिया की थ्री स्कूटर्स हैं, और वो है वेस्को की 2 स्कूटर्स। सो गाइस, अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं जावा के सेगमेंट में, यहाँ पर है जावा के 42 मॉडल, और ये है जावा का उसी मॉडल का ये अपग्रेडेड वर्जन 4.21। इसके यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 कलर्स और हैं इसके, ये ब्लैक और एक और रेड कलर है। फिर उसके बाद ये है इसका बॉबर वर्जन, इसको प्राग भी बोलते हैं, और ये 1 सीटर बाइक है। और इसका देख सकते हैं आप, इसमें पीछे सीडी ब्रेक है, और ये बहुत मतलब एक अपग्रेडेड बाइक है ये, और ये इतनी अच्छी बाइक है ना, एकदम क्लासिक बॉबर स्टाइल की प्राग में बैठा हुआ हूँ, और ये इतनी कंफर्टेबल बाइक है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जब आप बैठोगे तब आप फील करोगे कि हाँ बहुत कंफर्टेबल बाइक है, और ये इतनी नीचे बाइक है कि मेरे पैर जो है आराम से नीचे पहुँच रहे हैं, बहुत आराम से। वैसे अभी तो मैं खरीद पाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बाइसिकल चलाता हूँ तो कहाँ खरीदूंगा। तो चलिए गाइस, सो गाइस, इस ऑटो एक्सपो में मुझे 2 गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा पसंद आई, एक है मर्सिडीज की SUV, और वो है BMW की स्पोर्टी बाइक जो कि रेड कलर की है। आपकी कौन सी पसंद है इस ऑटो एक्सपो में सबसे ज़्यादा, वो कार है बाइक, आपको मुझे कमेंट करके बताना। के साथ तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल दैट, बाय बाय एंड टेक केयर।